फ्रेंड्स, मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज बन रही है मिक्स सब्ज़ी। और मैं गाजर कट कर रही हूँ, गाजर, बीन्स, गोभी, आलू और शिमला मिर्च, इन सबको मिक्स करके सब्ज़ी बनेगी। और यहाँ मैं मिर्चा ग्राइंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं सब्ज़ी हमने कट कर ली है, थोड़ी सी गोभी है, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज, इन सबको मैं दिखा रही हूँ। आज इसकी सब्ज़ी बनेगी और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। फ्रेंड, मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, प्याज में ब्राउन कर लूँगी, इसमें मिर्चा अदरक कट करके डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं। मसाले बहुत अच्छे से ब्राउन ब्राउन करने हैं। इसी में मैं गरम मसाला डाल देती हूँ, ये सब्ज़ी मसाला है, सारी सब्ज़ी मसाला है ये। और इसके बाद सारी सब्ज़ियाँ इसमें एक के बाद एक करके डाल देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अभी कसूरी मेथी मिक्स किया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी स्वाद महक इससे आती है, तो रेस्टोरेंट स्टाइल बन जाता है। और इसमें मैं सब्ज़ी सारी ऐड कर दी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें सब्ज़ी आधी पक चुकी है, तो इसमें हम टमाटर भी ऐड कर देते हैं। सब्ज़ी आधी पकने के बाद टमाटर फ्रेंड्स इसमें ऐड करिएगा, सब्ज़ी पक नहीं पाती है। देखिए सब्ज़ी मेरी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। और फिर अब रोटी तैयार कर लेती हूँ। तो मैं थोड़ा फास्ट फास्ट काम कर रही हूँ, आज मुझे शादी में जाना है, बारात विदा करने जाना है, पहले से मेरा न्योता आ चुका है। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत लेट भी हो रहा था और इधर मैं फटाफट अपने खाने की तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी लेट हो रहा था और मुझे तो लेट हो ही रहा था। हस्बैंड भी पहले जा चुके हैं, अब बस आदित्य और हर्ष ही रह गए हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मुझे बहुत लेट भी तो हो ही रहा था। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। फ्रेंड्स, सब्जी बन चुकी है, अब देखते सब्जी में कितनी अच्छी बनी हुई है। फ्रेंड्स, मैं आपको वहाँ अब जाकर ही मिलूँगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर पे आ चुके हैं और यहाँ देखिए रिलीज डांस शुरू हो गया है। यहाँ पे पूजा हो रही है दूल्हे मियाँ की, दूल्हे मियाँ की जो भी मौरी होती है, मौरी की पूजा होती है। और यहाँ सबका डांस एकदम बढ़िया डांस शुरू हो गया है। यहाँ से लेडीज़ बैठी हुई हैं, हम लोग को ऊपर जाना है, वहाँ दूल्हे मियाँ को तैयार किया जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर दूल्हे की सारी जितनी बहनें हैं, यहाँ डांस हो रही है। मेरी सिस्टर डांस कर रही है और आंटी जी भी डांस करना शुरू कर दी हैं। देखिए हम लोग नगाड़ा इतना अच्छा बज रहा था कि हम लोगों से रहा नहीं गया, काफ़ी अच्छा डांस हुआ। और अब छत पर आ गए हैं दूल्हे के घर पर, यहाँ दूल्हे को कपड़ा पहनाया जा रहा है, दूल्हे के जीजा लोग पहनाते हैं, यहाँ इनको नेक भी मिलता है। दूल्हे मियाँ बैठ गए हैं, आज ही अपने हाथ से कोई भी श्रृंगार नहीं करेंगे, सारे काम इनके जीजा लोग ही करते हैं, बहनोई ही करते हैं। तो बताया जा रहा है इनको कि खुद से कुछ मत करो, आज तुम दूल्हे हो, सारी तैयारी तुम्हारे जीजा लोग ही करेंगे। और ये दूल्हे के मामा हैं जो अपनी बहन को कपड़े नेक, ये बंगाल से आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये मामा लोग हैं, मामा हैं, मामी हैं, जो अपनी बहन को
जल दे रहे हैं, और जो भी नेक लेके आते हैं साड़ी कपड़ा गहना, तो आज मामा की तरफ से सारी रस्में की जाती हैं। मामा और ये अपने भांजे को और अपनी बहन को नेक देते हैं, और इसे इमली घुटाने की रस्में कहते हैं। यहाँ देखिए दूल्हे की विदाई हो रही है, बारात की विदाई हो रही है। अब दुल्हन दूल्हे में जाए दुल्हनिया को लेने अपने, और यहाँ पे हमारे जो घर में घर के बाहर मोहल्ले में जो हमारी कुल देवी हैं, देखिए दुर्गा माता हैं, इनका आशीर्वाद दिया जा रहा है, इनकी भी पूजा की जा रही है। पहले डी बाबा थे, अभी दुर्गा माता हैं, इनसे विनती की जा रही है कि हमारे बच्चे को अपना आशीष दीजिए। दुल्हन की मम्मी हैं और दूल्हे मियाँ हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए दूल्हे की बहन लोग यहाँ पर बैठ रही हैं अपनी गाड़ी में, तीन चार गाड़ियाँ गई थी, और अभी शाम के 7 बज चुके हैं, और यहाँ पर नाटक शुरू हो गया। नाटक मतलब जैसे वहाँ शादी होती है वैसे ही यहाँ पर भी शादी की जाती है, एक दूसरे दूल्हा दुल्हन को बनाया जाता है किसी को भी। और तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारे हम दोनों लेडीज़ ही हैं, ये भी लेडीज़ हैं जो दूल्हा बनी हुई हैं, ये मैं हमारी आंटी जी हैं, और दुल्हन मुझे बनाया गया था। जैसे शादी वहाँ होती है सेम रस्में यहाँ भी निभाई जाती हैं, जैसे वहाँ सब कुछ होता है, दो पंडित बैठते हैं मंत्र बोलते हैं और फेरे ले जाते हैं, कन्यादान होता है, सारी चीज़ें सेम टू सेम यहाँ भी होती है, ये हमारा रिवाज है। कहते हैं कि जैसे शादी वहाँ हो रही शादी यहाँ भी करनी ज़रूरी होती है, तो सारी चीज़ें यहाँ की जा रही हैं। ये देखिए ये दूल्हे मियाँ बने हुए हैं, ये मेरी आंटी जी दूल्हे मियाँ बनी हुई हैं, और दुल्हन तो मैं ही बनी हुई थी, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाई दूंगी। सेम रस्में वैसी निभाई जा रही है यहाँ पर भी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर दूल्हे का परछन किया जा रहा है, ये नकली दूल्हे हैं, इनका परछन किया जा रहा है, और यहाँ पर सारी लेडीज़ गीत गा रही हैं, और यहाँ पर कोबर में जाएंगे, कोबर की पूजा की जाएगी, फिर मड़वे में बैठेंगे, मड़वे की पूजा की जाएगी, और यहाँ फेरे लेंगे, कन्यादान होगा, लावा परछाई होगा, जो भी रस्में वहाँ पे होती हैं सेम रस्में यहाँ भी की जाती हैं, दिया मिलाना सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही होता है। कहते हैं ये बहुत शुभ रस्म है, और ये देखिए यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, मेरी पूजा मतलब मुझे चूमा जा रहा है, और देखिए फेरे लिए जा रहे हैं, ये आंटी जी हैं मुझे लेके जा रही हैं, सबका आशीर्वाद दिलवा रही हैं, और देखिए मुझे लेके आए जा चुका है, मैं मंडप में बैठ चुकी हूँ, और यहाँ मैं हूँ, और यहाँ मेरे दूल्हे मियाँ हैं, नकली दूल्हे मियाँ जो हमारी आंटी जी ही हैं जो दूल्हे मियाँ बनी हुई हैं, और देखिए सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं। यहाँ रोशनी बहुत कम थी फ्रेंड, लाइट चली गई थी, तो हम लोग टॉर्च की रोशनी में ही ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा दिक्कत हो रही होगी आपका, पर इग्नोर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे कमेंट करिएगा कि मेरी वीडियो में कौन सी कमी रह जा रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और देखिए यहाँ पूछा जा रहा है दूल्हे से कि दुल्हन तुम्हें कैसी लगी, तो दूल्हे ने हर बार ही मुझे हाँ कहा, और बड़ा ही अच्छा लगता है ये सब। तो फ्रेंड इस रस्में कितनी शादी रस्में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। यहाँ देखिए यहाँ नकली पंडित, नकली नाउन, नकली माँ बाप, नकली ननद, नकली भाभी, सारे लोग बन जाती, सब मोहल्ले की जितनी भी हैं यहाँ पर लेडीज़ ही बैठी हैं, ये लेडीज़ का ही प्रोग्राम हो रहा है। और देखिए यहाँ पे कन्यादान किया जा रहा है, हमारे दूल्हे मियाँ का हाथ हमारे हाथ में दिया जा रहा है, दिया गया हुआ है, और ये नकली ननद बनी हुई हैं, तो सारा प्रोग्राम है जो बस जैसे नाटक जैसे शादी वहाँ हो रही थी सेम शादी यहाँ भी वैसे ही करनी पड़ती है। लगन पत्रिका खोली जाती है, लगन पढ़ा जाता है, और लाभ पर्चा सब कुछ प्रोग्राम सेम वैसे ही किया जाता है।
रात में 9 बज चुके थे। तो मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मैंने घर पे आके खाना पीना बनाया और आज तो दाल चावल, रात में सबका मन दाल चावल ही खाने का था। तो मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए बाय।